ब्रेक के बाद यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं और पहली खबर लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ के बटलर चौराहे के पास रजनीगंधा पैलेस में कोर्ट के आदेश के बाद पीयूष रस्तोगी के घर की नीलामी की गई। बता दें कि कई थाने में पीयूष रस्तोगी, अजय रस्तोगी, परेश रस्तोगी और अन्य कई साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही इन लोगों से पैसे लेकर सबके साथ धोखाधड़ी करते थे। हजरतगंज थाने में एक मुकदमा अपराध संख्या 284/19 कायम है, जो यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत है। उस मुकदमे में चूँकि तीन अभियुक्त परेश, पीयूष और पंकज, ये तीनों हाजिर नहीं हुए और गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई इनकी, कोर्ट ने इनके विरुद्ध 83 CRPC यानी कुर्की का आदेश पारित किया है। उस कुर्की को एग्जीक्यूट करने हेतु हम सब यहाँ। अगली खबर औरैया से। औरैया के जिलाधिकारी ने कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जनता को जागरूक करने की नई पहल की शुरुआत की है। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने कोविड इंजेक्शन लगवाने के लिए बूथों पर जाकर जनता को जागरूक किया है। जागरूकता के साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखी है। उन्होंने इसी के साथ एक वीडियो भी बनाया है जो सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। जनता भी डीएम के इस वीडियो को खूब पसंद कर वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक हो रहे हैं। तो हम आपको खबर औरैया से बता रहे थे, जहां पर जनता ने डीएम को एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो जनता के बीच पहुंचा और जनता इसे खूब पसंद भी कर रही है। डीएम का वीडियो है और इस वीडियो में डीएम ने वैक्सीन लगवाने के लिए जनता को जागरूक किया है। तो ये औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर औरैया के डीएम ने जनता के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करते हुए एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसे अपलोड किया, जो खूब धड़ल्ले से वायरल हुआ। उसके बाद जनता में वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता आई। आज 5 फरवरी 2021 को मैंने कोविशील्ड का पहला टीका लगवा लिया है, जो कि कोरोना के अगेंस्ट हमारी जो टीकाकरण मुहिम है उसके तहत लगाया जा रहा है। दूसरा टीकाकरण भी इसके बाद होगा। यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं महसूस हो रही है। मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। आप सभी लोग भी इसी तरह टीकाकरण करवा लें और कोविड के अगेंस्ट जो हमारी मुहिम है। औरैया में एंटी भू माफिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 70 साल से कब्जा की गई 120 एकड़ कृषि योग्य जमीन को मुफ्त करा लिया गया है, यानी मुक्त करा लिया गया है। दरअसल विधुना तहसील क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों ने लगभग 120 एकड़ जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे थे, जिसके बाद सरकार द्वारा चलाई गई एंटी भू माफिया अभियान में तहसील प्रशासन को 120 एकड़ जमीन पर कब्जा की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुवारी मौजा का 148 एकड़ जमीन है, इसको हम लोगों द्वारा खाली कराई जा रही है। रूरू खुर्द की जमीन जो 350 एकड़ जमीन है, इससे लगा हुआ है, उस पर हम लोगों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुवारी के जितने भी किसान हैं, गुवारी के जितने भी लोग हैं, वो लोग ट्रैक्टर भी ला रहे हैं, खुद गुवारी के किसान खुद भी ट्रैक्टर ला रहे हैं। उनका कहना है कि आप अपना कब्जा लीजिए और जितने भी यहाँ विकास होगा उससे हमारे गुवारी का गाँव का। अगली खबर आजमगढ़ से, जहां पर कोरोना महामारी से बचाव को लेकर वैक्सीन के क्रम में आजमगढ़ जिला अस्पताल में विशेष कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर डीएम समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी गण और राजस्व कर्मियों का टीकाकरण कराया गया। वैक्सीनेशन से पहले चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जिसमें डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी शामिल हैं, उनका टीकाकरण कराया गया था। अब प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू हुआ है, यानी डीएम ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसको लगाने का क्रम लगातार जारी रहेगा। तो हम आपको खबर आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने आज वैक्सीन लगवाई है।
वैक्सीन लगवाने का सिलसिला, कोविड वैक्सीन का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है, जिसमें पहले चरण में फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर कर्मचारियों को लगाया गया, फिर डॉक्टर्स को, और आज आजमगढ़ के डीएम को भी ये वैक्सीनेशन लगाया गया है, कोविड वैक्सीन लगाई गई है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोविड वैक्सीन सेफ है और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो आजमगढ़ से लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि डीएम ने आज कोविड वैक्सीन लगवाई है। आज 5 फरवरी को कोविड का वैक्सीन आज दिया गया है। सभी प्रशासनिक अधिकारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स का आज वैक्सीनेशन है, तो हमारे द्वारा वैक्सीनेशन लिया गया। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, भारत में बनी हुई वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, इसका भी जो समय दिया जाता है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन कराने आए और कोविड से अपने आप को बचाव के लिए। अब औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों के साथ दुकानदार द्वारा धोखाधड़ी किया जा रहा है। बता दें कि औरैया के बौद्ध किसान खाद भंडार एरवाटरा में दुकानदार किसान को चूना लगा रही है। पीड़ित किसान जब खाद लेने दुकान पहुंचा तो 266 की जगह 300 में खाद बेची जा रही है, और अगर किसान एक बोरी खरीद रहे हैं तो उसके आधार कार्ड पर 2 बोरी चढ़ाई जाती है। जब पीड़ित किसान ने इसका विरोध किया तो दुकानदार का साफ कहना है कि जहां शिकायत करनी है तो कर लो। समस्या साहब ये है कि हम बौद्ध खाद बीज भंडार पे खाद लेने गए तो साहब वहाँ मुझको जो बोरी जो सरकारी रेट से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, और वहाँ मुझसे 300 रुपये वसूले जा रहे हैं। कहाँ पे? किसान बौद्ध खाद बीज भंडार अरवा पछेला जी, जिसके जो विक्रेता हैं वो प्रभुदयाल साख जी हैं जी, और वो वहाँ हमसे 300 रुपये वसूले गए खाद से, जबकि सरकारी रेट है वो 266 रुपये है। जब मैंने कहा साहब ये इतना आप पैसा क्यों ले रहे हैं, तो वो कह रहे कि आपको लेनी हो ले लीजिए, इससे कम की नहीं मिलेगी, और जो चाहे वहाँ जाए। आजमगढ़ में परिवहन निगम कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के क्षेत्रीय संयोजक त्रिभुवन नारायण सिंह और सह संयोजक उमेश चंद्र गौतम की देखरेख में कर्मचारियों की समस्याओं का हल निकाला गया। समस्याओं के निदान करने के लिए संयोजन ने कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने और परिवहन निगम में मृतक आश्रित के परिजनों को तत्काल नियमित नियुक्ति की जाए। इन सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है। इनकी मुख्य मांगे निजी वाहनों को परमिट देकर संचालित करने की अधिसूचना को तत्काल निरस्त किया जाए और डग्गा मार वाहनों को बंद भी कराया जाए। आज हमारा मांग जो है, हमारे कर्मचारी जो है 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को जनहित से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो दिन रात जो है जुट करके अपनी सेवा देते हैं, चाहे इनका नेपाल की आपदा हो, चाहे प्रयाग मेला का जो है, इनका कुंभ मेला का जो है, आज कर्मचारियों की बदौलत इनको जो है आज ग्रीन बुक में जो है उत्तर प्रदेश का नाम हुआ, आज चाहे कश्मीर का चुनाव हो, चाहे तत्काल में जो है COVID-19 जो है चला था। आज बतलाना यह चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी जो है मरने तक ले जो है यह प्रहार यह नहीं समझे कि मैं मरूंगा, अपनी ड्यूटी जो है 24 घंटा जो है जुट करके जनता की जन के सेवा। अब खबर हमीरपुर से। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर को अपना निशाना बना लिया। मंदिर के परिसर से चंदन के 3 पेड़ काटकर बदमाश लेकर फरार हो गए। इसको लेकर मंदिर के पुजारी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। तो हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मंदिर के बदमाशों ने चंदन के 3 पेड़ काटकर गायब हो गए। उसके बाद मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लगी हुई है। तो हमीरपुर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों ने चंदन के 3 पेड़ काटकर फरार हो गए।
हमारे यहाँ पेड़ कट गए चंदन के तीन। अब हम लोगों को जानकारी हो गई, जब कल दोपहर में जानकारी हुई तब हमने पुलिस के 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया। उन लोगों ने हमको बताया कि आप लोग FIR दर्ज कराइए। फिर हम लोग इंस्पेक्टर साहब कोतवाली गए, उनके यहाँ जो है अपनी FIR दर्ज कराई और जाकर के फिर तब पुलिस ने, कल आए थे पुलिस वाले लेकिन कल कोई ज़्यादा नहीं देख के चले गए थे, आज फिर आके उन्होंने पूरा सब मौका मुआयना किया और उसके बाद जो है यहाँ से अभी थोड़ी देर आप लोग। अब खबर कन्नौज से। कन्नौज में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया है। जिला अस्पताल में विशेषज्ञों की निगरानी में टीकाकरण शुरू हो गया है। तीसरे चरण में DM राकेश कुमार मिश्रा और SP प्रशांत वर्मा सहित पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने भी टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद DM ने कोविशील्ड वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताते हुए आगे चलने वाले अभियान में बढ़ चढ़ लोगों को वैक्सीन लगवाने की बात कही है। तो आपको खबर बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर टीकाकरण का आज से तीसरा चरण शुरू हो गया है। यहां भी DM ने आज वैक्सीन लगवाई। टीकाकरण के शुरू होने पर उन्होंने जनता में ये भी संदेश पहुंचाया कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये बेहद ही सुरक्षित है, लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बिल्कुल आनाकानी ना करें और जा करके ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। ये DM का आदेश दिया है, उन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद ये आदेश जनता में दिया है। कोविड का टीका लगवा करके बहुत अच्छा लग रहा है और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और मैं अपने सभी उन कोविड के पीरियड में काम करने वाले हमारे समस्त जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि निसंकोच इस टीके को लगवाएं, जिससे हम लोग, हमारा जिला इस महामारी से सुरक्षित हो सके और आगे आने वाले टाइम में जब आम जनता के लिए वो होगा तो उनसे भी अनुरोध है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाएं। अब खबर राजधानी लखनऊ से। लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने कोविड वैक्सीन लगवाई। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा ने भी कोविड की वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद कमिश्नर आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रुके। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह स्वास्थ्य और सुरक्षित है और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए ज़रूर जाएं। देखिए, ये पूरे देश में जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उसमें पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण हुआ, दूसरे चरण में आज फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी भी लगाएंगे। उसी की शुरुआत में आज पहली बार हमने और हमारे ज्वाइंट सिटी लॉ एंड ऑर्डर ने वैक्सीनेशन लगवाया है और हम शुक्रगुजार हैं जो PGI हमारे साथ डॉक्टर साहब सामने खड़े हैं उनके, उन्होंने इस जीवन रक्षक दवाई को हम लोग को दिया है, हमारे सारे पुलिसकर्मियों को देंगे, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को देंगे। और मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आप सामने देख रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, टीकाकरण मेरा हो चुका है, उसके बाद आधे घंटे का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी पूरा हो चुका है। अब खबर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। वैक्सीन लगने वालों में फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं जिसमें राजस्व, पुलिस, नगर विकास, पंचायती राज विकास विभाग के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। यानी 15 केंद्रों पर 1,583 लोगों को वैक्सीन लगाना है। सुल्तानपुर के DM रवीश गुप्ता, SP डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। यानी DM SP ने लोगों को संदेश भी दिया है कि ये कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके लिए क्रमानुसार लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर जाएं और किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। देखिए, वर्ष 2020 एक वैश्विक संक्रमण की तरह से निकल गया, इसमें उत्तर प्रदेश और जो हमारे जनता के लोग थे उन्होंने भीषण त्रासदी का सामना किया। सरकार ने वैक्सीन की व्यवस्था की है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये वैक्सीन हमारे देश में ही बनी है और विभिन्न देशों में इसकी मांग की जा रही है। ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है ऐसा विशेषज्ञों ने बताया और आज मैंने और जिलाधिकारी ने अपनी कैटेगरी में सबसे पहले वैक्सीन लगा के ये संदेश देने का प्रयास किया कि इसके बारे में।
सुल्तानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रखी गुमटी हटाने को लेकर विवाद हो गया। गुमटी हटाने पहुंचे पालिका कर्मियों और अध्यक्ष प्रतिनिधि की भू माफियाओं से नोकझोंक शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल की मौके पर पहुंची और पालिका कर्मियों के साथ बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद गुमटी को हटवाया और आवागमन शुरू करवाया गया। तो आपको खबर हम सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत भू माफियाओं के बीच एक झड़प हो गई कि हम अपनी गुमटी नहीं हटाएंगे। गुमटी हटाने की बात चली थी, लेकिन उसके बाद पालिका अध्यक्ष बबीता वहां पर पहुंचकर वो भी धरने पर बैठ गई। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन लोगों को धरने से हटाया और फिर आवाजाही का क्रम शुरू कराया गया। तो खबर सुल्तानपुर से आपको बता रहे, जहां पर पुलिस कर्मियों और भू माफियाओं के बीच एक झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष स्वयं जाकर के धरने पर बैठ गई। पुलिस कर्मियों ने भू माफियाओं के बीच ये झड़प खत्म कराई और फिर आवाजाही शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जहां एक तरफ खाकी की छवि सुधारने की मुहिम चलाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस खाकी पहने पुलिसकर्मी उनके इरादों पर पलीता लगाने से नहीं चूक रहे हैं। रहेता मामला औरैया के शहर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां से एक वीडियो खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा। आइए देखते हैं आखिर क्या है इस वीडियो में। कहीं पुलिस चौकियों में शराब पी जाती है, तो कहीं सड़कों पर सिपाही नशेबाजी करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि शहीद पार्क रोड पर ड्यूटी के दौरान एक नशेबाज सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर पूरे मामले में एसपी अपर्णा गौतम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही कोतवाली क्षेत्र में तैनात था और ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में भी था। एसपी अपर्णा गौतम का कहना है कि मामले की जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी सरेआम नशे में धुत है और रोड पर बैठा हुआ है। देखिए, एक सिपाही जो यहाँ पे पुलिस लाइन में तैनात हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है और इस संबंध में जो जहाँ वो मौके पे जहाँ ड्यूटी कर रहे थे, उनको तत्काल ड्यूटी के पॉइंट से अपने हटाया गया था और उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही जो प्रारंभिक जांच है उनके विरुद्ध वो प्रस्तावित की गई है और उस प्रारंभिक जांच का जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर इन पर दंडात्मक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सलीरा क्षेत्र से एक भावुक वीडियो सामने आया है। नवीन प्राथमिक विद्यालय में माहौल उस समय भावुक हो गया जब एक प्राइमरी स्कूल के छात्र बिलख पिलख कर रोने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सारे छात्र एक साथ रोने लगे? आइए देखते हैं इस वीडियो में आखिर ऐसा हुआ क्या। प्रधानाध्यापक का ट्रांसफर होने पर प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात भीष्म नारायण का स्थानांतरण हुआ। इस दौरान टीचर और स्टाफ के बाकी लोग भी अध्यापक के विदाई समारोह में भावुक हो गए। वहीं बच्चों और साथी टीचर को रोता देख ग्रामीणों की भी आंखें नम हो गईं, जिसमें वहां पर मौजूद ग्रामीण फूट फूट कर रोने लगे। क्या बच्ची, क्या महिला और क्या पुरुष,
जिसे देखो बस आंखों में आंसू लिए फूट फूट कर रो रहे थे। अध्यापक और छात्रों के बीच इस अनोखे रिश्ते ने आज के समय में नई मिसाल पेश की है। बता दें कि प्रधानाध्यापक ने अपने 12 साल नवीन प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को ज्ञान देने में बिताया है। भीष्म नारायण ने अपने जीवन का अहम समय बच्चों को शिक्षित करने में बिताया। उनके सरल स्वभाव और वाणी से छात्र और ग्रामीण इतने प्रभावित हो गए कि अब जब उनका ट्रांसफर हुआ तो सभी की आंखों से आंसू निकल गए। विदाई समारोह में छात्रों, अध्यापकों और ग्रामीणों को रोता देख वह खुद भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाए और ग्रामीणों के साथ साथ अध्यापक भी जमकर रोने लगे। बता दें कि एक बार पहले भी इनका ट्रांसफर हुआ था, लेकिन ग्रामीणों ने बीएसए कार्यालय जाकर ट्रांसफर को रुकवाया था। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारे यहाँ 12 साल सर जी ने यहाँ पे सेवा की, हमारे बच्चों को पढ़ाया और बहुत अच्छी तरीके से रहे, कोई उनका दुर्भाव नहीं रहा, एक दूसरे के प्यार से सब लोग रहे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहे। और प्लस एक बार हम ट्रांसफ़र भी सर जी का हो गया था तो इतना प्यार होने के कारण हम लोगों ने, सभी ग्रामवासियों ने उनको ट्रांसफ़र रुकवाया। 12 साल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।